सम्मानित मीडिया बंधुओं, आज का जो प्रेस वार्ता बुलाने का जो उद्देश्य था वो यहाँ के जो प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी एवं शासन के लोग हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में जो हमारे परिवार के एक अनुसूचित व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर जो पहले उनको बेरहमी से जलती हुई लकड़ी से रात भर पीटा गया और फिर उसको त्रिशूल से मारा गया और जब वो नहीं मरा तो उनको अग्नि कुंड में झुलसाया गया। उसके बाद में वहीं पर मंदिर परिसर के लोगों ने एक खाली पेपर पर दस्तखत कराए जबरन, जब जाकर उसको अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर उसकी स्थिति थी उनको परिजनों को सौंपा और फिर गांव में जाकर जो व्यक्ति गांव में रहने वाले हैं उस गांव के लोगों ने वहां पर पंचायत करके यह फरमान सुनाया कि हम मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए जो पीड़ित परिवार है कि आप हमारे मंदिर में घुसे हो, हमारे मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए 125,000 रुपए और एक बकरा भेंट करना पड़ेगा जब जाकर हमारा मंदिर का शुद्धिकरण होगा। ये उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में जो दुर्दांत अपराध हुआ है, हम यहां के प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं और संविधान की सुरक्षा के लिए और देश के अंदर पीड़ित गरीब असहाय मजदूर किसानों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और जहां से गंगा यमुना की तहजीब शुरू होती है जिसको देवनगरी उत्तराखंड कहा जाता है, हम ये असंवैधानिक लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो धर्म की आड़ में ये असंवैधानिक काम किया है ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज भी हम लोग जब वहां पर गए हम लोगों ने सभी चीजों को संवैधानिक रूप से प्रशासन को कहा कि यह सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई, अब तक 307 में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। मैं आप मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि वहां के प्रशासन ने अब तक भी 307 में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक अधिकारी शासन के दबाव में अपराधियों का पक्ष कर रहे हैं, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। उसके बाद में अभी एक दो दिन से वहां पर कुछ संगठन जाते हैं और वहां पर बाजार में जाकर अभद्रता करना, असंवैधानिक भाषा का उपयोग करना, SC ST शब्द को लेकर उसको गाली गलौज करना और उन लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये कहना चाहते हैं यहां के प्रशासन से कि इन असंवैधानिक लोगों पर यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने जो हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं कि किसी को उग्र होने की आवश्यकता नहीं, यहां संविधान है। हमने उत्तरकाशी में भी जाकर यही कहा था कि संविधान और अपराधी के बीच में 0.00 का टॉलरेंस रखते हैं हम लोग और इसको हम लोग किसी भी परिस्थिति में बनाए रखेंगे। किसी को संविधान का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है, परंतु जिस प्रकार से ये अपराध हुआ उस प्रकार से FIR न तो अब तक दर्ज हुई है, ऊपर से वहां कुछ संगठन जाकर जिस प्रकार से माहौल खराब कर रहे हैं, हमारी बड़े अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द ही यदि ऐसे लोगों पर जो माहौल खराब कर रहे हैं यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन फिर उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हूं। मंजीत जी, आपके युवक के साथ जो हमारी संगठन के साथ है जी, लेकिन आप प्रशासन के सामने प्रशासन के मुंह पर 2 घंटे में मंदिरों को तोड़ने की धमकी प्रशासन को दे रहे हैं, ये कहां तक जाएगा? गलत, उसको समझने का इंटरफेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको मंदिर को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा ये संविधान की आत्मव्यवस्था है और मंजीत सिंह नोटियाल और भीम आर्मी इस संविधान का सम्मान करती है। संविधान में सबको धर्मनिरपेक्ष अधिकार है, सबको अपनी जाति मजहब और जो परंपराएं हैं उसको मानने की बराबरी है और अधिकार है और उसका मंजीत सिंह नोटियाल और भीम आर्मी बहुत सम्मान करती है,
परंतु जिस जगह पर एक जातिगत आधार पर एक व्यक्ति को पीटा जाता है उसको ये कहा जाता है कि तुम दलित हो, तुम्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। आप, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, लोग यहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या वह मंदिर है? वो मंदिर नहीं हो सकता है। मंदिर तो मंदिर में, मंदिर में यदि वो मंदिर है तो वहां किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता है। आप अगर वहां पर ये अपराध हो रहा है, यदि वहां पर जातिगत आधार पर ये पूछकर कहा जा रहा है कि तुम ब्राह्मण हो तुम्हें इजाजत है, दलित हो तुम्हें इजाजत नहीं, वो मंदिर नहीं हो सकता है। मंदिर में सबको इजाजत होती है। हम पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं, मंदिरों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, गुरुद्वारों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, मस्जिदों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, सब जगह हमारे कार्यक्रम चलते हैं। परंतु जातिगत आधार पर रोका जाना और जानबूझकर अपमान करना वो सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था नहीं होती है। हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। तो आपका बयान ठीक था कि बुलडोजर चला दूंगा मैं। नहीं, हमने ये कहा कि जो है संवैधानिक संस्था है, मंदिर पर नहीं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जहां पर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता हो कि आप दलित हैं, आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है, वो मंदिर नहीं हो सकता है। हम फिर से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो असंवैधानिक संस्था है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो संविधान की आत्मा में बसती है और मनजीत सिंह नोटियाल भीमारवी संविधान का सम्मान करते हैं। मनजीत सिंह नोटियाल, आप कह रहे हैं संविधान का आप पालन करते हैं जी, क्या संविधान ने आपको होटल अलाउ किया है? जिस होटल को बजाते हुए आप प्रेस क्लब के अंदर एंटर हुए। देखिए ऐसा है ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब, ये होटल अभी जिस मुद्दे पर बहस कर लिया उस मुद्दे पर बयान बात कर संविधान का ही मुद्दा है। आप प्रेस क्लब में घुसे नहीं आता, नहीं आप मुख्यमंत्री भी नहीं आता, पहले व्यक्ति है आप, तो हमारे जाने की उत्सुकता तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जिस मुद्दे पर बात करें उस मुद्दे पर बात करें, उसके बाद हम कब जाओगे? आप ही से जुड़ा हुआ है जी। हम मैं कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बात करें उस मुद्दे पर वार्ता कर ली जाए। समाज के अंदर कुछ लोगों के अंदर ऐसी मनोवृत्ति है जो यहाँ तक हुई जी, लेकिन क्या आपका फर्ज ये नहीं है कि उन कुछ लोगों को सीधा करने की बजाय आप पूरा ब्लेम कर रहे हैं सब पे, और उसके अलावा वैमनस्य की भावना आप ही तो फैला रहे हैं? कौन कह रहा है? हमने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अपराधी पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? उसमें तो आप ही शामिल हो गए वीडियो वायरल के अनुसार। मैं कह रहा हूँ आप तो समझ नहीं पा रहे ना, जो लोग उसको जो वीडियो वायरल है, जो मैं बता रहा हूँ, हम वही बता रहे हैं जी। कट्टरवादी जो संगठन है उसको मुद्दा बनाकर इशू कर रहे हैं। हमने वही बताया कि जिस मंदिर में जाति देखकर प्रवेश कराया जा रहा हो वो धार्मिक संस्था हो सकती है? आप बताइए मुझे, वो धार्मिक संस्था नहीं हो सकती है। गुरुद्वारे में सबको जाने का अधिकार है, हम गुरुद्वारे में रोज जाते हैं, रोज मत्था टेकते हैं, हम संतों महापुरुषों का मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस मुद्दे को इशू बनाया जा रहा है, यहाँ गंगा जमुना की तहजीब यहीं से शुरू होती है, और मनजीत सिंह नोटियाल इसको बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। और हमने संस्कार और सभ्यता बनाने के लिए संगठन पहले से भी आहुति देता है, और हम किसी प्रकार का माहौल यहाँ पर खराब नहीं होने देंगे, ये हम यहाँ के प्रशासन से भी और सरकार से भी बताना चाहते हैं। जब टकराव की स्थिति होगी तो माहौल अपने आप खराब होगा। टकराव कौन करेगा? हम टकराव की स्थिति न हो, इसीलिए कल हम लोग डीजीपी महोदय से मिलने आए थे। हमने डीजीपी महोदय को जो लोग वहां पर कर SC ST का नाम लेकर गाली गलौज की, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिन लोगों ने वहां पर कल गाली गलौज की, हमने डीजीपी महोदय को ये वीडियो देखी, महोदय हम उत्तरकाशी जाने से पहले आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वहां पर अभद्र भाषा का उपयोग किया, इस मामले को संज्ञान में लीजिए। आज हम ये अवगत कराने के लिए आए हैं। कौन करेगा टकराव की स्थिति? हम नहीं करेंगे, और हम अपने पदाधिकारियों को बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। टकराव की स्थिति जो लोग पैदा करेंगे वो प्रशासन उससे निपटेगा, हम प्रशासन को अवगत कराने के लिए। लेकिन उस वीडियो में तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 घंटे में बवाल हो जाएगा, आप हंगामा कर देंगे। बवाल कौन, किसी ने कहा बवाल करने के लिए? बवाल नहीं आप करने के लिए कहा? आप लोगों ने देखी नहीं होगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मजीद भाई, उत्तराखंड का कल्चर देवभूमि है, ये बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसी धमकी पहली बार सुनने को मिल रही है। गलत कह रहे हैं आप, धमकी नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए उत्तरकाशी में पहले भी घटना हुई है, और जिस समय ये उत्तरकाशी में ये पहले भी जो घटना हुई, हमने संविधान के उससे अवगत कराया सभी लोगों को, और ये कहा कि भाई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा दुर्दांत अपराध होता है, कोई संगठन नहीं बोला, लेकिन वहां पर एक दलित समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, एक संवैधानिक रक्षक दल चलाने वाला व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो सारे जो सत्ताधारी संगठन है वहां पर जाकर बवाल करते हैं। ये कहां, ये कौन सी संविधान? सत्ताधारी में जो वहां के विधायक हैं वो भी दलित समुदाय से ही आते हैं। आप किन से मुलाकात हुई? देखिए हम लोग राजनीति से कोई बिलोंग नहीं करते हैं, हम कोई सामाजिक संस्था चला रहे हैं,
इसलिए हमने प्रशासन से मिलना उचित समझा और हम तो तब तक उस गांव में नहीं गए जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। प्रशासनिक अधिकारी जब तक नहीं आए मैं एक रात गांव के बाहर बैठा रहा। आप पूछ सकते हैं कि हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जाना चाहते हैं जिससे कोई माहौल खराब न हो। इससे बड़ी बड़ी घटना हुई है, आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में कितनी बड़ी घटना थी, दलित मटकी छूने पर मारा गया था, हम वहां भी बिना प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं गए। अटल जी एक बात बताइए, देश का एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध उल्केता हत्याकांड बीसी उत्तराखंड में हुआ जी, पूरा देश उसमें रोया है साथ आया जी। क्या मंजीत सिंह नौटियाल कहाँ थे उसके? मंजीत सिंह नौटियाल उस समय रोड पर थे जनाब, हरिद्वार में रोड पर थे, हमारे पदाधिकारी बैठे हैं। मैंने डीएम से रात को 2-2 बजे बात की है, मगर डीएम साहब वो बहन है हमारी, बेटी है और मुझे जाति से मतलब नहीं है। मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान में सभी जाति और धर्म बराबर है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बात बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपकी समझने की कोई प्रयास गलत प्रयास कर रहे हो। झारखंड में एक दलित बेटी को रेप करके उसको फांसी पर लटका दिया गया, उसी 10 कदम दूरी पर आपने देखा होगा कि एक ठाकुर समाज से बेटी थी उसको पेट्रोल जलाकर मार दिया था। यदि आपके वो संज्ञान में मामला हो तो वहां के पत्रकारों ने भी मुझसे यही सवाल किया था, मैंने कहा नहीं वो मेरी बहन है, मैं वहां जाऊंगा, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो देश की बेटी है। तो भीमार में एक संविधानिक रक्षा दल चला रही है, इससे जाति मजहब का कोई वास्ता नहीं है, परंतु जो लोग संविधान से ऊपर उठना चाहते हैं ये इजाजत न हम देंगे न संविधान देगा। अब क्योंकि दुख सभी को ही है, उसमें जो घटना हुई है जी, गिरफ्तारी भी उनकी हुई है, अब क्या चाह रहा है भीम आर्मी और क्या चाह रही है आगे क्या कुछ जी? हम वही चाह रहे हैं कि उस पर 307 में FIR दर्ज की जाए और हमारे लोगों को जिस प्रकार से वहां पर अपमानित किया जाता है और जिस प्रकार से वहां कानून का भय नहीं है, ये घटना आप समझ सकते हैं ये घटना क्यों हुई आखिर, ये मुख्य उद्देश्य है। पत्रकार बंधु ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वहां घटना होती क्यों है, इसका मतलब वहां कानून का डर नहीं है, स्पष्ट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहां कानून का राज स्थापित किया जाए। हम बार बार डीजीपी महोदय से यही अवगत करा रहे हैं और जो भी माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां जातिगत आधार पर ये मंदिरों में प्रवेश रोकना और दलित समझकर पीटना, इस घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। और इस प्रकरण में ये मैं बता देना चाहता हूं कि यदि उसमें हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला तो फिर भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य है। सवाल पे आ जाते हैं जो अभी पूछा गया था, आप होटल बजा कर जो एंट्री हुए उसमें संवैधानिक की कहां रक्षा की, संविधान ने आपको कहां इजाजत दी है कि आपको होटल बजाने की? देखिए मेरी गाड़ी सबसे पीछे थी, हमारी गाड़ी सबसे पीछे थी, परंतु ये मैं समझ सकता हूँ कि सवाल जो है उत्तरकाशी वाले मामले में बात की जाए तो पंडित जी पैदल ही आ जाते ये सवाल ही पैदा ना होता, जो घटना चल रहा हुआ है सवाल को पूछा जाएगा। जवाब आपको देना जवाब ऐसी हम नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे जनाब, मैं बता गाड़ी पे बोर्ड आपके नाम का है, हम संविधान को मानते हैं। सुनिए मैं वही कह रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। आप कह रहे हैं कि पैदल ले जाते हैं, साल हम तो गरीब जनता के साथ में रोज आंदोलन पैदल ही करते हैं, रोज सड़कों पर रहते हैं, ये कौन सी बात है? लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फिर वोटर पर बात होती है, वोटर बजाने से अगर दिक्कत है, वोटर बजाने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे परिवार को रात को लकड़ी से मारा जाता है, जलती हुई लकड़ी से मारा जाता है, 300 से मारा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये स्पष्ट झलक रहा है कि ये जातिवाद जो है ना, ये जातिवाद में फिर से टॉलरेंस करने की कोशिश की जा रही है। मंजीत जी आप उसमें कह रहे हैं 307 में मुकदमा जी, हमारे उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन उसमें विवेचना करके धाराएं निर्धारित करेगा ना, आपके कहने से तो यहाँ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। एक बात बताइए मुझे, जिसको बेहोश उठाकर लाया हूँ, जिसके जिसके कंधों पर एक एक इंच के गहरे निशान, जिसकी कमर पर इतने गहरे निशान, क्या 307 उसमें नहीं बनती? हम जांच हम मान सकते हैं कि जांच का विषय है, परंतु क्या इतनी छोटी छोटी धाराओं में उसमें मुकदमा लिखना उचित है कि उसमें वो बाहर से बाहर बेल हो सकती है, उसमें ऐसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है? ये गिरफ्तारी तब की गई है, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि वहां भीम आर्मी के लोगों ने आंदोलन की घोषणा की थी। हम ये कहना चाहते हैं किसी का, हम मैं ये नहीं कहना चाहता कि परिसर में सब चीजें की जाए, कि न्याय मिलना चाहिए, हमारा मेन मकसद है। एक ही मैं बोल देता हूँ आपको इसी पर, 9 तारीख की ये घटनाक्रम थी, आप लोग 11 तारीख को क्यों गए थे थाने? दो दिन क्या कर रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हमको 10 तारीख, मैं बताना चाहता हूँ, ये 9 तारीख की घटना थी, 10 को हमें उसको अवगत कराया गया कि अध्यक्ष वहां घटना हो गई है। हम दिल्ली में लगातार आंदोलन में रहते हैं, तो दिल्ली से आने में आपको पता है कि पहाड़ों के रास्ते हैं, कुछ तो समय लगता ही है, परंतु मैं पूरी रात चला, मैं दिल्ली से कहीं नहीं रुका, हम सीधे से गांव में गए और गांव में हम कितने बजे पहुंचे पदाधिकारी जानते हैं, 11-12 बजे तो गांव में घुसे, और मैंने जब गांव की स्थिति को देखा, मैं आपको सच्चाई अवगत कराना चाहता हूं कि जो गांव के प्रधान है वो थाने पर घेराबंदी खड़े किए हुए खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि हम इनको अंदर नहीं जाने देंगे। भाई मेरे परिवार से मिलने से मुझे कौन रोक सकता है?
परंतु मैंने वहां कोई माहौल खराब करने कराने का प्रयास नहीं किया। मैंने कहा अधिकारियों को, मैंने कहा इनको समझाइए मेरे परिवार से मिलने में आया हूँ, मैं अपने परिवार से जानना चाहता हूँ कि क्या क्या घटना हुई है। धन्यवाद।